शांतनु। शांतनु अपने पूर्वजों की तरह वीर, न्यायप्रिय और धर्म पर चलने वाले राजा थे। उनकी पत्नी थी गंगा। गंगा का पुत्र अद्भुत रूप से सुंदर, बलिष्ठ और साहसी था। शांतनु को अपना पुत्र सौंपकर गंगा अंतर्ध्यान हो गई और हस्तिनापुर के भविष्य को अपने साथ लेकर महाराज शांतनु हस्तिनापुर लौट आए। गंगा का पुत्र होने के कारण इस बालक का नाम पड़ा गांगेय और युवा होने पर गांगेय को देवव्रत कहा जाने लगा। देवव्रत धनुष बाण चलाने की कला में ही नहीं बल्कि घुड़सवारी, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध आदि में भी पारंगत थे। शांतनु अब वृद्ध हो चले थे। एक दिन वे वन में शिकार खेलने गए। ये कैसी अपूर्व सुगंध आ रही है, ये सुगंध कहां से आ रही है? शांतनु उस मोहक सुगंध का पता लगाते हुए वहां आ पहुंचे जहां एक सुंदर युवती बैठी थी। तो ये सुगंध इस युवती की है। कितनी रूपवती स्त्री है ये, परंतु वस्त्रों से तो जान पड़ता है कि किसी मछुआरे की पुत्री होगी। कौन है ये स्त्री? आश्चर्यचकित शांतनु को अपनी ओर आता देखकर वो युवती लाज से सकुचा गई। हीरे मोतियों से जड़े कपड़े पहने, राजमुकुट लगाए हुए, चमकते शरीर वाले महाराज शांतनु को देखते ही वो समझ गई कि जरूर वो कोई राजपुरुष हैं। मैं हस्तिनापुर नरेश शांतनु हूँ। सुंदरी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम सत्यवती है महाराज। सत्यवती, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। यह निर्णय तो मेरे पिता दाशराज ही कर सकते हैं महाराज। सत्यवती की बात सुनकर शांतनु दाशराज से मिलने मछुआरों की बस्ती की ओर चल पड़े। महाराज शांतनु को इस सेवक का प्रणाम। हम निर्धनों की बस्ती में पधारने का कष्ट कैसे किया महाराज? दाशराज, हम तुम्हारी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। हम उसे महारानी बनाएंगे। नहीं नहीं महाराज, हमारा वो आपका मेल कहाँ हो सकता है? दाशराज, हमने बहुत सोच विचार कर ये निर्णय लिया है। तुम्हारी पुत्री इस विवाह के पश्चात अत्यंत सुखी रहेगी। उसी के सुख की कामना करते हुए मैं आपसे दो वचन लेना चाहता हूँ महाराज, परंतु। हाँ हाँ, डरो नहीं, कहो, हम तुम्हें अभेदान देते हैं। ठीक है महाराज, तो सुनिए कि आप विवाह के पश्चात मेरी पुत्री को ही महारानी बनाएंगे और मेरी बेटी से उत्पन्न पुत्र को अपना राजपाट सौंपेंगे। दाशराज, क्या तुम जानते नहीं कि हम देवव्रत को अपना युवराज बना चुके हैं? हम देवव्रत का अधिकार छीनकर उसके प्रति अधर्म नहीं कर सकते। तो महाराज, आप भी मेरी पुत्री से विवाह का विचार त्याग दीजिए। महाराज उसी समय भारी कदमों से वापस लौट पड़े, पर सत्यवती उनके दिलो दिमाग पर छा गई थी, इसलिए महल में वापस आकर भी वे चुपचाप अपने कक्ष में बंद हो गए और दिन रात सत्यवती को लेकर ध्यान में डूबे रहते। देवव्रत को अपने पिता की अवस्था का पता चला तो उन्होंने उसका कारण ज्ञात किया। देवव्रत अपनी पितृभक्ति के लिए प्रसिद्ध थे। वे सदा पिता की सेवा को ही धर्म समझते थे। इसलिए ये ज्ञात होते ही कि जब से महाराज मछुआरों के मुखिया दाशराज से मिलकर आए हैं तभी से दुखी हैं। देवव्रत दाशराज से मिलने के लिए मछुआरों की बस्ती की ओर रवाना हो गए।
वे तीव्र गति से रथ दौड़ाते हुए मछुआरों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात दाशराज से हुई। दाशराज, मैं ये जानने आया हूं कि तुम्हारे और मेरे पिताश्री के बीच ऐसा क्या हुआ था जिससे वे दुखी और चिंतित हैं। दाशराज भय के मारे कांप उठा। वो उस क्षण को कोस रहा था जिस क्षण उसने महाराज शांतनु के सामने अपनी बेहुदा शर्तें रखी थी। उसने सूखते गले से वो सब कुछ कह सुना था जो उसने महाराज शांतनु से कहा था। ये सुनकर देवव्रत स्तब्ध रह गए और सोचने लगे। लगता है पिताश्री के दुख का कारण मैं ही हूं। वो बड़ी दुविधा में है। मुझे उनकी ये दुविधा समाप्त करनी ही होगी। मुझसे भूल हो गई थी युवराज, मुझे ऐसी बातें महाराज से नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने जो किया अपनी पुत्री का सुख देखते हुए ही किया है। मुझे आप क्षमा कर दे युवराज, क्षमा कर दे। देवव्रत समझ गए कि पुत्री मोह के कारण दाशराज ने महाराज को अपने वचनों में बांधने का प्रयास किया था, किंतु वे किसी भी दशा में अपने पिता को प्रसन्न देखना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक निश्चय किया। दाशराज, तुम अपनी पुत्री सत्यवती का विवाह महाराज के साथ कर दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी पुत्री से उत्पन्न पुत्र ही हस्तिनापुर का महाराज बनेगा। आपने तो वचन दे दिया युवराज, परंतु आपके विवाह के पश्चात आपकी संतान राज सिंहासन पर अधिकार करने की कोशिश करेगी, तो मेरी पुत्री और उसकी संतान का क्या होगा? राजकुमार देवव्रत ने दाशराज से ये सुनकर धीर गंभीर वाणी में घोषणा की। हे आकाश पाताल और पृथ्वी लोकवासी, हे वायुदेव जलदेव और सूर्य देव, आप सब मेरी इस प्रतिज्ञा के साथ हैं। मैं महाराज शांतनु का पुत्र देवव्रत आज शिक्षण प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जीवन भर विवाह नहीं करूँगा, आजन्म ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा। युवराज देवव्रत के ये शब्द आकाश में चारों ओर गूंजने लगे। देवताओं ने आकाश मार्ग में उपस्थित होकर उन्हें आशीर्वाद दिया और नाम दिया भीष्म। भीष्म प्रतिज्ञा करने वाले देवव्रत की चारों ओर जय जयकार होने लगी। दाशराज, आज से तुम्हारी पुत्री मेरी माता। प्रतिज्ञा के पश्चात भीष्म सत्यवती को आदर सहित रथ में बिठाकर महल में ले आए। उनकी भीष्म प्रतिज्ञा जंगल की आग की भांति संपूर्ण विश्व में फैल गई। जिसने सुना वही चकित रह गया। चारों ओर महाव्रती भीष्म की प्रशंसा होने लगी। पिताश्री, मुझे तो बस आपका आशीर्वाद चाहिए। मेरे लिए तो बस वही इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने पिता महाराज शांतनु और सत्यवती के विवाह के पश्चात हस्तिनापुर राज्य की देखरेख की जिम्मेदारी भीष्म ही उठा रहे थे। कुछ समय पश्चात सत्यवती के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक दो पुत्र हुए। दाशराज को दिए गए वचनानुसार पहले चित्रांगद का राजतिलक किया गया, परंतु एक युद्ध में चित्रांगद वीर गति को प्राप्त हुए। तब महारानी सत्यवती के दूसरे पुत्र विचित्र वीर्य का राज्याभिषेक करवाया गया। महापराक्रमी भीष्म के कारण हस्तिनापुर के चंद्रवंश का नाम चारों ओर सूर्य की भांति चमक रहा था। महारानी सत्यवती राजवंश की वंश बेल आगे बढ़ाने के लिए विचित्र वीर्य के विवाह को लेकर चिंतित थी। अवश्य माधे,
और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि काशी नरेश अपनी तीन सुयोग्य पुत्रियों अम्बा, अंबिका और अंबालिका का विवाह करने के लिए स्वयंवर रचा रहे हैं। मैं उनका विवाह महाराजा विचित्र वीर से करवाने के लिए आज ही काशी की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। जब स्वयंवर आरंभ हुआ तो भीष्म ने अपने स्थान पर खड़े होकर सभी को चुनौती दी। मैं चंद्रवंशी भीष्म इस स्वयंवर में उपस्थित सभी योद्धाओं, नरेशों, बाहुबलियों को चुनौती देता हूँ। यदि किसी में साहस है तो वो मुझसे युद्ध करे और इन तीनों राजकुमारियों को वर ले। महावीर भीष्म की ये चुनौती सुनकर सभी को सांप सूंघ गया। कोई भी आगे बढ़कर नहीं आया। अपनी विजय निश्चित देखकर भीष्म काशी की राजकुमारियों की ओर बढ़े। तभी शालू नरेश अपने स्थान से उठे और उन्होंने कहा, हे हस्तिनापुर के वीर, आपकी चुनौती हमें स्वीकार है। यदि युद्ध में हमारी पराजय हुई तभी आप इन्हें अपने साथ ले जा सकेंगे। शालू नरेश द्वारा भीष्म की चुनौती स्वीकारने के बाद दोनों में युद्ध छिड़ गया। दोनों तरफ से तीर पर तीर चलाए जाने लगे। कुछ समय तक दोनों में भयंकर युद्ध होता रहा। शालू नरेश ने भीष्म के द्वारा किए गए बाणों का उत्तर जमकर दिया, परंतु भीष्म तो भीष्म थे। वे जिस समय बाण चलाने लगते थे तो उस समय देखने वाले को ये तक पता नहीं चलता था कि किस पल उनका हाथ तरकश से बाण उठाता है और किस पल धनुष पर चढ़ा लेता है। ऐसे धनुर्धारी के आगे शालू नरेश अधिक समय तक नहीं टिक पाए और उन्होंने युद्ध में पराजय स्वीकार कर काशी नरेश ने अपनी पुत्रियां खुशी खुशी भीष्म को सौंप दी, जिन्हें लेकर भीष्म हस्तिनापुर लौटा। राजकुमारी अम्बा ने भीष्म से कहा, हे महावीर, मैं आपके भाई महाराज विचित्र वीर से विवाह नहीं कर सकती। किंतु इसका कारण क्या है राजकुमारी? इसका कारण है शाल्प नरेश। मैं शाल्प नरेश से प्रेम करती हूँ और उन्हें अपना पति मान चुकी हूँ। इसीलिए आपसे निवेदन करती हूँ कि आप मुझे सम्मान पूर्वक यहाँ से जाने दें। तो ये बात है राजकुमारी, हम तुम्हारी इच्छा का सम्मान करते हैं और तुम्हें इसी समय शाल्व देश जाने की आज्ञा देते हैं। राजकुमारी अम्बा की मुलाकात जब शालू नरेश से हुई तो उसकी सारी आशाएं मिट्टी में मिल गई। हे राजकुमारी, तुम पर अब हस्तिनापुर नरेश का अधिकार है। चूँकि स्वयंवर में भीष्म तुम्हें हर कर ले गए हैं, अतः मैं तुम्हें अब अपनी रानी नहीं बना सकता। मेरी राय में तुम्हें अब हस्तिनापुर लौट जाना चाहिए। वो दुखी मन से हस्तिनापुर लौट आई और इस बार उसने निश्चय किया कि उसकी इस दुर्गति के जिम्मेदार भीष्म है, इसलिए वो अब उन्हीं से विवाह करेंगी। हे राजकुमारी, मैं विवश हूँ। मैं अपनी प्रतिज्ञा के कारण तुमसे विवाह नहीं कर सकता। परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ नहीं सकता राजकुमारी, तुम ये समझने का प्रयत्न करो। यदि मैं महावीर भीष्म के गुरु ऋषि परशुराम से विनती करूं तो शायद बात बन सकती है। अम्बा ये सोचकर ऋषि परशुराम के पास गई। अम्बा की विनती सुनकर ऋषि परशुराम ने भीष्म को समझाना चाहा, किंतु परिणाम कुछ नहीं निकला। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा पर अटल थे। उनकी ओर से निराशा हाथ लगने पर परशुराम क्रोधित हो उठे और उन्होंने भीष्म को युद्ध के लिए ललकारा। स्वयं को महापराक्रमी समझने वाले भीष्म, यदि तुझे ये विवाह स्वीकार नहीं तो आ मुझसे युद्ध कर। अपने गुरु परशुराम की ललकार सुनकर भीष्म युद्ध करने के लिए तैयार हो गए और दोनों के बीच भीषण युद्ध आरंभ हो गया।
परशुराम डाल डाल तो भीष्म बात बात थे। युद्ध कांटे की टक्कर का था क्योंकि दोनों ही महापराक्रमी योद्धा थे। भीष्म यदि एक बाण चलाते तो परशुराम उत्तर में दो बाण चलाते, परंतु उनके बाण भीष्म का कुछ नहीं बिगाड़ सके। क्योंकि महाराज शांतनु का दिया वरदान भीष्म के साथ था। इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण परशुराम द्वारा चलाए गए बाण हथियार सब बेकार हो गए और अंत में भीष्म के एक बाण की चोट से परशुराम का धनुष दो टुकड़े हो गया और उस भयानक युद्ध का अंत हुआ। वत्स, तुमने अपनी प्रतिज्ञा की लाज रखी है, मैं तुम पर प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि तुम इसी प्रकार अनंत काल तक हस्तिनापुर की रक्षा करते रहो। परशुराम जी तो भीष्म को आशीर्वाद देकर चल पड़े, किंतु राजकुमारी अम्बा, उसे तो न्याय नहीं मिला था। वो तो न हस्तिनापुर की रही, न शाल्व की और ना ही काशी की। कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में पांडव और कुरु सेनाएं एकत्रित हो चुकी थी। पांडवों की सेना का सेनापति धृष्टद्युम्न को बनाया गया और कौरवों की सेना का सेनापति भीष्म पितामह, परंतु दुर्योधन को भीष्म के सेनापति बनाए जाने पर आपत्ति थी। मैं पितामह भीष्म को अपना सेनापति नहीं मान सकता। परंतु क्यों वत्स, वो अनुभवी एवं महापराक्रमी है और वृद्ध भी हैं। उससे बड़ी बात है कि उनके मन में विशेष अनुराग है। इससे युद्ध का क्या लेना देना मित्र? नेत्रकर्ण, इस महायुद्ध में कब किसकी निष्ठा शत्रु पक्ष की ओर हो जाए ये कह नहीं सकते। वैसे अर्जुन पितामह का विशेष प्रिय है, युद्ध स्थल पर पितामह अर्जुन पर वार कर सकेंगे? क्या उनके बूढ़े हाथ पांडवों के सीने छलनी कर पाएंगे? मैं जानता हूँ, योद्धा कुरु सेना के वीर गति पाए या फिर पांडु सेना के, मेरी पराजय तो दोनों है। परंतु तुम ये मत सोचो कि मेरी निष्ठा पांडवों के प्रति प्रेम के कारण बदल जाएगी। मैंने तुम्हारी रक्षा का नहीं बल्कि हस्तिनापुर राज सिंहासन की रक्षा करने की प्रतिज्ञा ली है। उनके समर्थन के कारण दुर्योधन को बेमन से कौरव सेना की कमान पितामह को सौंपनी पड़ी और युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध भूमि में शंख ध्वनि गूंज उठी। शीघ्र ही भीष्म की भयानक बाण वर्षा पांडव सेना पर होने लगी। आकाश बाणों की वर्षा में छुप गया। उन्हें आक्रमण करता देख अर्जुन सामने आया। अर्जुन के सारथी थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण हर बार कुशलता से पितामह के बाणों से अर्जुन को बचा ले जाते। युद्ध में दोनों ही पक्षों की भारी हानि, धन की भी और जन की भी, परंतु युद्ध जारी रहा। पितामह भीष्म अर्जुन के अचूक वारों को देखकर मन ही मन प्रसन्न थे। उधर अर्जुन के मन में अपने प्रिय पितामह के लिए भावनाओं का ज्वार उफन रहा था। श्री कृष्ण अभी सोच ही रहे थे कि पितामह भीष्म द्वारा चलाया गया एक तीर उनके कनपटी पर लगा और वहां से रक्त की धारा बहन। उधर श्री कृष्ण क्रोध में तमतमा उठे। उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। यद्यपि उन्होंने युद्ध में अस्त्र न उठाने का प्रण किया था, उनके हाथों में सुदर्शन चक्र देख कर पितामह बोले, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपने अपराध के लिए लज्जित। हे गंगा पुत्र, तुम्हारी इस विनम्रता से मैं प्रसन्न हूँ।